हरे कृष्णा, राधे राधे। लाखों में एक होती हैं ऐसी स्त्रियाँ। चलिए जानते हैं कौन सी होती है जो स्त्री लाखों में होती है। जिनके घर में इनका विवाह होता है वो अमीर हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ लक्षणों के आधार से हम ये जानकारी दे सकते हैं कि वो लड़की जिस भी घर में जाएगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहेगा। पर जानने से पहले, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिखिएगा। ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज़ के पीछे छिपे सभी अर्थों को विस्तारपूर्वक से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं उनका संबंध सीधा हमारे निकट भविष्य से अवश्य जुड़ा होता है। हमारे शरीर पर कुछ ऐसे चिन्हों में या तिलों में या हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा होता है। भगवान ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार आदि सब एक दूसरे से अलग है। इसलिए हमारे शरीर पर जितने भी निशान या तिल है इनमें से काफ़ी कुछ पता चल सकता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे चिन्हों और उनके शरीर पर तिलों के निशान और अंगों की बनावट के बारे में, जिनका सीधा असर उनकी जीवन और परिवार पर पड़ता है। जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी या गहरी होती है वह स्त्री सौभाग्यशाली स्त्री घर के लिए शुभ मानी जाती है, और जिस स्त्री की नाभि बड़ी होती है और गहरी और बाईं ओर मुड़ी हुई होती है, ऐसी स्त्रियां धन सुख और संतान सुख से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है और इनकी पूजा पाठ से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी विशेष कृपा माँ लक्ष्मी बनाए रखती हैं। जिन स्त्रियों की आँखें बड़ी होती हैं वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है और ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लाभकारी साबित होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। जिन स्त्रियों का चेहरा उनके पिता के चेहरे से मिलता जुलता है वैसे स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है और इनका जीवन बहुत ही सरल होता है और ऐसे स्त्रियों को अपने जीवन में अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा सुख भोगती है। जिन स्त्रियों की आँखों की पलकी धनी होती है वो स्त्रियां किसी भी काम में बहुत शुभ मानी जाती हैं। अगर आपकी शादी के लिए कोई लड़की देखने जाते हो तो इस एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली और बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या नाभि के ठीक नीचे तिल का निशान होता है वो स्त्रियां अपने परिवार और अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती है और इनका घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन स्त्रियों के पैरों में कमल या चक्र का निशान होता है वह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं। जिन स्त्रियों के दांत लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियों को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और अपने जीवन में तरक्की करती रहती हैं ऐसी स्त्रियाँ। जिन स्त्रियों की आँखों की पुतली भूरे कलर की होती हैं वह बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। वह अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त करती है और उनके जीवन में कभी धन के प्रति कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। जिन स्त्रियों के केश लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियों को भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को अपने पूरे जीवन में हर प्रकार के सुख और आनंद मिलता रहता है। जिन स्त्रियों के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर लटके होते हैं ऐसी महिलाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। जिन स्त्रियों की आँखें कमल की पंखुड़ी की जैसी होती हैं वो स्त्रियाँ अपने पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन स्त्रियों के माथे पर तिल होता है वह बहुत बुद्धिमान होती है। इनको अपने जीवन में कभी भी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और उनकी बुद्धिमानी का चर्चा दूर दूर तक फैलने लगता है।
जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। गाल पर तिल का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है, जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार की खुशहाल बनाती रहती हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन पर तिल होता है वो बहुत ही मंगलकारी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन पर तिल होता है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके रहते उनके पति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और ऐसी स्त्रियों के होठ पर अगर तिल होता है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इनकी बात हमेशा सच होती है या अधिक झूठ नहीं बोलती। माना गया है कि ऐसी स्त्रियों की जुबान पर कभी कभी सरस्वती जी भी विराजमान होती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने परिवार के लिए तरक्की का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के पैर की एड़ियां कोमल होती हैं ऐसी स्त्रियां सारी उम्र सुख सुविधाएं का आनंद प्राप्त करती हैं। इनके इस गुण के कारण उनके पति और परिवार को भी लाभ होता है। जिस स्त्रियों के नाक और कान के पास तिल होता है वह स्त्रियां परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। वह अपने ससुराल के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती है। परिवार में कभी सुख की कमी नहीं होती। जिन स्त्रियों का कद छोटा होता है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति होती है। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है वहाँ धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आती। जिन स्त्रियों के पैर पतले और लंबे होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इनका विवाह जिस घर में भी होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती और उनके पति को सदैव बिजनेस में मुनाफा होता रहता है। जिन स्त्रियों के माथे के बीचों बीच तिल होता है ऐसी स्त्रियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य दिन इन्हीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनकी वजह से उनके परिवार वाले भी हर सुख का आनंद ले पाते हैं। जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति के साथ होता है और यह बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। लेकिन जिन महिलाओं के चलते समय धूल उड़ती हैं वो अपने परिवार के लिए शुभ नहीं मानी जाती। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आपसे आज से ही ये करना बंद कर दीजिए। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य से लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।